हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। ये देखिए, आज मैंने एक ये बेबी स्वेटर बनाया, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। तो ये इसको मैंने किस तरह से बनाया ये पूरा मैं बताऊंगी। तो इसको जो मैंने शुरू करा है, यहाँ से नेक से शुरू करा है, नेक से शुरू करा और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरा इकट्ठा बनाया, चारों तरफ, बाजू भी, दोनों फ्रंट और ये बैक, ये मैंने इकट्ठी बनाई है। और फिर उसके बाद ये बाजू को अलग बनाया, दोनों बाजू को, और फिर ये फ्रंट और बैक मैंने इकट्ठे बनाए। क्योंकि ये देखिए, फ्रंट और बैक में मेरी कोई यहाँ पे सिलाई नहीं है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये मैंने दोनों फ्रंट और बैक को इकट्ठा बनाया है और दोनों बाजू अलग। और इसकी जो सबसे अच्छी शेप जो आई है मेरी नेक की आई है। इसके नेक को मैंने किस तरह से बनाया ये देखिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो नेक से शुरू करते हैं, ये न्यू बॉर्न बेबी का है, ये 3 मंथ से लेके 6 महीने तक के बच्चे को बड़ा इजीली आ जाएगा। तो जो वो नेक शुरू करते हैं वो कैसे शुरू कर देते हैं, सीधा 71-72 फंदे डाले और 6 सिलाइयाँ बना ली। तो मैंने इस तरह से नहीं बनाया, इसके लिए मैंने 59 स्टिचेस डाले हैं। 59 स्टिचेस डाल के जो ये मैंने 6 सिलाइयाँ बनाई हैं ना, ये मेरी 3 रिब्स बनी है नेक की, इन 6 सिलाइयों में मैंने इन 59 फंदों से 71 फंदे बनाए हैं। फिर उसके बाद मेरा ये वाला पार्ट शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से ये शेप बहुत सुंदर आई है। पहले पते हम लोग बनाते थे तो हमारी दादी क्या कहती थी, ऐसे अंगूठी की तरह राउंड शेप होनी चाहिए नेक की, तो वो वाली शेप आई है इससे। तो अगर हम 71 फंदे इकट्ठे डाल के फिर 6 सिलाइयाँ डाल के बना लेते हैं तो वो इस तरह से गला बन जाता है, इस तरह से ऐसे ऊपर उठा हुआ और इस तरह से बनेगा। तो मेरी ये शेप देखो बहुत सुंदर आई है। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने एक ये लच्छी वाली ऊन यूज़ करी है, 3 प्लाई की ऊन है, ये बेबी वूल है, बहुत सॉफ्ट है। और ये मैंने 200 ग्राम वूल ली है। 200 ग्राम वूल में मेरा एक तो ये स्वेटर बन गया है और एक मेरा कैप भी ऑलमोस्ट रेडी है, उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। और उसमें से मेरे बच्चे के बूट भी बन जाएंगे, जब बूट बन जाएंगे तो उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो 200 ग्राम में मेरा ये पूरा सेट बन गया है। आई थिंक थोड़ी सी फिर भी उसमें से बचेगी ऊन। तो अब मैं इसको बनाना बताती हूँ कैसे हमने इसको बनाया है। ये देखिए, मैंने 59 फंदों से 2 रिब्स बना लिए, 4 सिलाइयाँ दी हैं मैंने, ये उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनाया है। आप चाहो तो सीधी सिलाइयों से भी बना सकते हैं। अब यहाँ मुझे 71 फंदे करने हैं गले के, मुझे 71 फंदे चाहिए। तो 71 फंदे किस तरह से बढ़ाऊँगी मैं ये ग्राफ की हेल्प से बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने टोटल फंदे मेरे पास हैं 59, उसका मैंने डिवीज़न इस तरह से करा, 7 फ्रंट पट्टी के 7 7 दोनों फ्रंट पट्टी के, और 5 फंदे एक फ्रंट के और 5 फंदे दूसरे फ्रंट के। और यहाँ पे एक फंदा वो वाला लेंगे जिसके दोनों तरफ मुझे बढ़ाने होंगे फंदे जाली से, एक इस तरफ एक इस तरफ। और ये 7 फंदे दोनों तरफ की बाजू के, एक बाजू के 7 फंदे और दूसरे भी 7 फंदे बाजू के। और ये बाजू और बैक के बीच वाला फंदा जहाँ से हमें फंदे बढ़ाने हैं, और ये 17 फंदे बैक के, और ये बाजू और बैक का एक फंदा यहाँ पर रखेंगे एक्स्ट्रा। तो टोटल देखिए, 7 और 5 12 7 और 5 12 12 और 12 24 फंदे हो गए मेरे दोनों फ्रंट के मिला के, और बीच में ही पट्टी के भी आ गए, प्लस ये 2 फंदे जहाँ से मुझे फंदे बढ़ाने हैं, और 7 और ये 7 दोनों 14 फंदे बाजू के, और ये 2 फंदे बढ़ाने वाले जहाँ से मुझे फंदे बढ़ाने हैं, और प्लस 17 फंदे 24 और 2 26 26 और 14 40 और 2 42
42 और 17 59 फंदे हो गए। तो अब मुझे पहले तो अभी इन 59 से 71 कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं इस पे यहाँ पे एक फंदा बढ़ाऊँगी, इन पांच फंदों में एक फंदा बढ़ाऊँगी और यहाँ पे सात फंदों में भी एक फंदा बढ़ाऊँगी जो बाजू का फंदा है, और ये जो बैक के फंदे हैं यहाँ पे दो फंदे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो फंदे बढ़ाऊँगी और फिर बाजू में एक फंदा बढ़ाऊँगी और ये पाँच फंदे पे एक। तो इस तरह से ये टोटल मेरे छः फंदे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 59 प्लस 6 65 फंदे मुझे करने हैं। तो पहले मैं ये मार्क करती जाऊँगी, साथ साथ फंदे भी बढ़ाती जाऊँगी। ये मेरी राइट साइड है, तो फंदे भी बढ़ाने हैं साथ साथ मार्क भी करना है मुझे, या चाहो तो उल्टी तरफ से फंदे बढ़ा लीजिए। अभी हम मार्क कर लेते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7, ये सात फंदे पट्टी के और पांच फंदे फ्रंट के, इन्हीं पांच फंदों में मुझे एक फंदा बढ़ाना भी है, 1 2 3 4, यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेते हैं हम, और ये पांच, ये मेरे फ्रंट पट्टी के भी हो गए और फ्रंट के भी हो गए, और यहाँ पे एक मार्क लगा देते हैं, एक फंदा बढ़ भी गया हमारा। अब सात फंदे बाजू के लेने हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, पाँच छ सात, और दो फंदे जो हमने ये वाले रखे थे ना, ये वाले, ये बीच में गैप वाले, ये भी बाजू के साथ ले लूँगी मैं, 8 और 9, और यहाँ पे अब एक मार्क और लगा दूँगी। और अब मुझे बैक के फंदे लेने हैं, अब बैक के फंदे 17 फंदे भी लेने हैं, ये बैक के 17 फंदे और ये दो फंदे बढ़ाने भी हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेते हैं हम, 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ से एक फंदा फिर से बढ़ा लेते हैं, 14 15 16 और 17, अब यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे, ये बैक के फंदे अलग हो गए। अब सात फंदे बाजू के, 1 2 3 4, और ये एक फंदा बढ़ा लेंगे, 5 5 6 7, और ये वाले जो फंदे हैं हम इसी में ले लेंगे बाजू में, 8 और ये 9, और यहाँ पे फिर से एक मार्कर लगा देंगे। अब पांच फंदे फ्रंट के, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देंगे, 5 हो गए, और अब ये 3 3 6 और 1 7 फंदे पट्टी के, अब उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे ना, इसमें हमने फंदा बढ़ाना है, कोई फंदा नहीं बढ़ाना। तो अब ये मैंने उल्टी सिलाई दे ली है, अब फिर से हम सीधी तरफ आ गए हैं, अब हम फिर से एक एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से, पहले हमने यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाया था, 65 फंदे हो गए थे मेरे,
तो अब एक एक फंदा और बढ़ाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और दो यहाँ पे, एक बाजू पे और एक फ्रंट पे। तो फिर से छः फंदे उसी तरह से बढ़ा लेंगे। तो 65 में 6 और ऐड कर देंगे तो हमारे 71 फंदे हो जाएंगे। तो अब देखिए फिर से ये फंदे मैं बढ़ा रही हूँ, एक फंदा फ्रंट पे बढ़ेगा, एक फंदा बाजू पे। अब ये देखिए पट्टी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात पट्टी के और 5 फंदे आगे वाले थे, एक बढ़ा हुआ था, तो इनमें एक फंदा बढ़ा लेंगे कहीं पे भी। अब इस मार्कर को इधर, अब ये हमारे बाजू वाले फंदे शुरू हो गए, इसमें भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। बहुत सुंदर शेप आती है गले की, थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना मुश्किल भी नहीं है, पर शेप बहुत सुंदर आ जाती है गले की इससे। ये मैंने एक फंदा बढ़ा लिया यहाँ पे। अब ये मार्कर को इधर कर देंगे और ये मेरे बैक के फंदे शुरू हो गए और इसमें दो फंदे बढ़ेंगे, एक फंदा अभी बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। और एक फंदा बैक का यहाँ पे बढ़ा लेंगे। मार्कर को इस तरफ कर देंगे और अब ये बाजू के फंदे शुरू हो गए, बाजू के फंदे में भी एक फंदा बढ़ाएंगे। अब फ्रंट के फंदे ये मार्कर इस तरफ, एक दो तीन चार और यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे हम। आपकी मर्जी है कहीं भी फंदा बढ़ाइए। और ये लास्ट फंदा इस तरह से उतारने पे बड़ी अच्छी चेन बनेगी हमारी। और अब हम उल्टी तरफ से और इस सिलाई को उल्टा बना लेंगे पूरा। अब ये देखिए ये चार सिलाइयाँ आ गई हैं, ये गले की हमारी पट्टी पूरी हो गई है। और अब हमें यहाँ पे बटन होल भी बनाना है साथ में, और साथ में अब फंदे हमें बढ़ाते जाना है। ये जो चार मार्कर लगाए हैं इस पर हम फंदे बढ़ाएंगे, वो देखिए किस तरह से। अभी बटन होल में उल्टी तरफ से बनाऊंगी, एक दो, ये मेरे फ्रंट के फंदे हैं सारे, 7 और 3, 3, 6, 7 सात फंदे पट्टी के और अब मेरा ये सीधे शुरू हो जाएंगे। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 फंदे मेरे फ्रंट के हो गए। और अब यहाँ से इस मार्कर को हटा देंगे और इस फंदे के दोनों तरफ जाली डालेंगे। एक ये फंदा बढ़ा दिया, अब एक फंदा इस तरफ से बढ़ा दिया। और अब ये बाजू के फंदे, 1, 2, 3, 4, 6, 7 अब ये इसमें,
अब यहाँ पे इधर ही बढ़ाना है, क्योंकि हमने जो वो फंदे बढ़ाने वाले रखे थे वो दोनों बाजू में ही ले लिए थे, तो ये इस फंदे के दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे। इधर भी जाली और इधर भी जाली से फंदा बढ़ाएंगे। अब मार्कर हटा देंगे। अब ये बैक के फंदे, अब ये फंदा हम बनाएंगे, क्योंकि जिस फंदे के दोनों तरफ बढ़ाना था वो हमने बाजू में ले रखे थे दोनों फंदे। तो अब ये जाल हटा के फिर से जाली डालेंगे। इधर जाली और इधर भी जाली। और जिस फंदे पे बढ़ाना था वो हमने बाजू में ले रखा था, तो ये वो वाला फंदा है। इस तरफ जाली और फिर से जाली। अब ये मार्कर हटा देंगे। और ये हमारे फ्रंट के फंदे, तीन तीन छः और एक सात, सात फंदे हमारे पट्टी के हैं, वो उल्टे बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा अब हमारा। और यहाँ पे अब हर बार फंदे बढ़ाते जाएंगे, एक दो तीन चार, इन चार जगह पे फंदे बढ़ाते जाएंगे। अब आप चाहो तो इनको सर्कुलर नीडल में डाल लो, चाहो तो आप इनको इसी सिलाइयों पे बना लो। मैंने तो इसको सिंपल सिलाई पे ही बनाया था। तो अब इस पे हर सिलाई पे यहाँ पे दोनों तरफ फंदे बढ़ेंगे, इधर भी दोनों तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इस फंदे के दोनों तरफ फंदे बढ़ाते जाएंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये देखिए, ये पांच फंदे मेरे पट्टी के, पांच नहीं सॉरी सात फंदे। अब यहां से हमारे फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फ्रंट के फंदे बढ़ रहे हैं अब हमारे, अब यहां देखिए ये जाली वाला फंदा बना लिया, और यहां पे इस फंदे के फिर से दोनों तरफ जाली डाल देंगे। तो इस तरह से ये हर बार फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इन सभी जाली पे हमें फंदे बढ़ाते जाना है। यहाँ पे भी इसी तरह से फंदा बढ़ाना है, और फिर यहाँ पे इसके भी दोनों तरफ, और यहाँ से भी। तो इसके बाद फिर आप आगे मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अब इतना पार्ट बना लिया है, ये सारे फंदे बढ़ गए, ये मेरा पोर्शन बन गया। इसमें मैंने ये 17 जाली डाली हैं, और ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह। तो 17 जाली डाल के ये मैंने फंदे भी बढ़ा लिए हैं। तो अब हम इन पोर्शन को अलग अलग करेंगे, ये फ्रंट, ये दोनों फ्रंट, ये दोनों बाजू और ये बैक। और अब ये फोल्ड होके इस तरह से आएगा, यहाँ से ये देखिए इस तरह से। तो
तो अब ये इससे देखिए गले की शेप कितनी सुंदर आई है। ये अगर हम सीधा 71 फंदों से बनाते तो ये गले की शेप नहीं आती, तो इसमें गले की शेप बहुत सुंदर आती है। और अब मैं इसको ये देखिए अब मैं बनाती हूँ और फंदे भी बताती हूँ। ये टोटल मेरे कितने फंदे बने हैं, टोटल मेरे ये सारे बढ़ाने के बाद 205 फंदे बने हैं। 17 फंदे यहाँ पे बढ़े, 17 जाली आई तो 17 फंदे यहाँ बढ़े, 17 यहाँ, 17 यहाँ, 17, 17 यहाँ पे, 17 और 17, और इस साइड भी 17 फंदे बढ़े। तो ये टोटल 205 फंदे हैं। अब मेरी ये धागा है फ्रंट वाली साइड पे, तो पहली सिलाई तो अब पहले अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, बाजू अलग से बनाएंगे, फ्रंट और बैक इकट्ठा बनाएंगे, ये फ्रंट और बैक इकट्ठा चलेगा और बाजू अलग से बनाएंगे। अगर इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, फ्रंट अलग दोनों, बैक अलग, बाजू अलग, तो उसमें आप कुछ भी पहले बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे फ्रंट बनाओ चाहे बैक बनाओ चाहे बाजू। अगर फ्रंट और बैक को इकट्ठा बनाते हैं तो बाजू पहले बनाना ज़्यादा इजी रहता है। तो पहले मैं बाजू बनाऊंगी क्योंकि मैं फ्रंट और बैक को इकट्ठा ही बनाऊंगी। तो अब मेरा ये देखिए धागा है इस तरफ, ये फ्रंट के पल्ले की तरफ, तो पहले ये वाला बना लेती हूँ। ये 7 फंदे मेरे पट्टी के हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब बाकी फंदे सीधे बना लेंगे, 1, 2, जो भी जितने भी फंदे आ रहे हैं हम हमारे फ्रंट के उतने सीधे बना लेंगे। और ये, और अब ये बाजू के फंदे हम सिलाई में डालते हैं और बाजू बनाएंगे। इसी धागे को कंटिन्यू आगे करते जाएंगे और इससे से बाजू बना लेंगे। पहले तो ये धागे से निकाल के इसको सिलाई में डालते हैं। अब ये देखिए ये मैंने बाजू वाले फंदे भी सिलाई में डाल लिए हैं। ये जो चेन वाला फंदा था, ये वाला और ये वाला, ये मैंने दोनों तरफ से बाजू में ले लिया है, फ्रंट में भी नहीं लिया और बैक में भी नहीं लिया। ये चेन वाले फंदे मेरे बाजू में आ गए। अब इसी धागे से यहाँ कंटिन्यू करते हुए बाजू बनाना शुरू करेंगे और इन फंदों को अलग से किसी सिलाई में डालना चाहें तो अलग से, नहीं मैं दूसरी सिलाई लगा देती हूँ यहाँ से बाजू के लिए। ये फंदे मेरे यहाँ रह जाएंगे, धागा यही चलने देते हैं हम। बाजू के मेरे आए हैं 45 फंदे। ये 2-4 सिलाइयों तक ये सिलाई अड़ेगी, फिर उसके बाद ये नीचे हो जाएगी।
और अब यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे और ये अब हमारी बाजू बननी शुरू हो जाएगी। और अब मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ जो मैंने ये पैटर्न डाला है वो कैसे। तो मैं बाजू पे अभी पैटर्न उल्टी सिलाई दे के फिर पैटर्न शुरू करूँगी, पर मैं पैटर्न अलग से बता देती हूँ क्योंकि 45 फंदे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो पैटर्न बताने में बहुत देर लगेगी, तो मैं अलग से फंदे डाल के उस पर पैटर्न बना के बताती हूँ। तो अब मैं पैटर्न बना के बताती हूँ। ये पैटर्न जो बना हुआ है ये इवन नंबर फंदों पे बना हुआ है, दो के मल्टीपल। तो ये देखिए 6 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। वैसे मैंने इसका वीडियो बना रखा है, इस अपलोड भी कर रखा है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाके भी चेक कर लीजिए। वैसे मैं बता भी रही हूँ, ये देखिए पहली सिलाई सीधी बनाएंगे, और दूसरी सिलाई इसकी उल्टी बनेगी। क्योंकि हर पैटर्न में ये 4 सिलाइयों का वैसे डिज़ाइन है और 2 उल्टी और सीधी, एक उल्टी एक सीधी का गैप है ये। तो बाजू जो मैंने शुरू करी थी उसमें 2 उल्टी सीधी आ जाएंगी, फिर ये पैटर्न भी शुरू हो जाएगा। ये देखिए तीसरी सिलाई पैटर्न ये शुरू हो रहा है, एक फंदा सीधा ये और फिर उसके बाद एक फंदा सीधा और यहाँ से ये देखिए 1 के 3 बनाएंगे, यहाँ से निकाल के एक फंदा धागा आगे और ये 3, ये इस फंदे को छोड़ के 2 फंदों को बार बार रिपीट करना है हमने। ये देखिए एक फंदा सीधा और ये 1 से 3, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदे के 3 फंदे बना दिए आगे और ये, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदे के 3 फंदे इस तरह से। और लास्ट फंदा चौथी सिलाई डिज़ाइन की उल्टी तरफ से पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब ये वाले जो 1 के 3 फंदे बना रखे थे वो वाले फंदे हैं और यहाँ हम क्या करेंगे, इन 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे, 1 और ये 2, और नेक्स्ट ये वाला फंदा और एक ये जो बनाया हुआ फंदा था इसका भी 2 का 1। तो 4 से 2 बना दिया हमने। फिर ये देखिए फिर ये 1 के 3 करे थे उनमें से 2 फंदे ले लेंगे, 2 का 1, फिर से आगे 2-2 फंदों का 1 करते जाएंगे। बहुत आसान पैटर्न है। अब 5वीं सिलाई सीधी तरफ से पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, उसके बाद एक ये धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, ये फंदा बिना बने उतार लेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे, यहाँ जाली से एक फंदा बढ़ जाएगा और ये जो बिना बुने उतारा था इसको इसके ऊपर से ऐसे निकालेंगे। देखिए फिर से धागा अपनी तरफ, ये फंदा बिना बुने उतारा, इस फंदे को एक बना लिया और ये जो बिना बुने उतारा था इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। धागा अपनी तरफ, ये बिना बुने उतारा, इसको इस तरह से और ये इसके ऊपर से। और 6ठी सिलाई में ये पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे हम, तो यही पैटर्न है। तो ये पैटर्न अब मैं बाजू में डालती भी हूँ और
ये जो मेरी बाजू, इसको मैंने बीच में से शुरू करा हुआ है, ये देखिए ये बाजू, तो इस बाजू को बना के और आगे दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने ये दोनों बाजू बना ली हैं इसकी, और ये बाजू इस तरह से आएगी, ये देखिए, और ये दूसरी बाजू इस तरह से, और ये मैंने 45 फंदों से शुरू करी थी बाजू, और हर छठी सिलाई पे मैं इसके फंदे कम करती गई, और लास्ट में मेरे पास 34 फंदे रहे, और 34 फंदों पे मैंने ये बाजू बंद कर दी। और अब मुझे इसका फ्रंट और बैक बनाना है, वो मैं इकट्ठा बनाऊंगी। ये देखिए ये इसके फ्रंट साइड के एक फंदे, ये दूसरी फ्रंट साइड के फंदे, और ये मेरे बैक के फंदे। अब मैं ये सारे फंदे एक ही सिलाई में कर लूँगी, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी फंदे डालना इस फ्रंट साइड से। अब फिर एक फ्रंट, फिर बैक के फंदे डालूँगी ये वाले सारे, और फिर फ्रंट साइड के फंदे डालूँगी। एक बार मैं ये फंदे डालूँ फिर बताती हूँ। ये देखिए ये सारे फंदे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, ये पहले एक फ्रंट, फिर बीच में मेरा बैक वाला, और फिर से ये फ्रंट। तो अगर आपके पास सर्कुलर नीडल है तो सर्कुलर नीडल से बना लीजिए, मुझे इसमें इजी लगता है तो मैं इससे बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंदे नहीं हैं, 31 इन साइड के फंदे थे, और मेरे पास 21 मैंने ये डाले थे, 17 और 2 19 और 2 21 फंदे मैंने यहाँ डाले थे, और 17 फंदे मैंने यहाँ दोनों तरफ से 34 फंदे ये मैंने बढ़ाए थे। तो इस तरह से अब हम इस बैग को शुरू इकट्ठा शुरू करेंगे। यहाँ पे हम थ्रेड लगाएंगे, और थ्रेड इस तरह से लगाएंगे कि हमारा ये बटन पट्टी के फंदे हैं, ये मुझे सिलना पड़ेगा बाद में। बटन पट्टी के फंदे मेरे सारे उल्टे उल्टे बने हुए हैं, तो इस तरह से ये मैं उधर से लेके इसको अंदर कर दूंगी धागे को। एक सिलाई सीधी और उल्टी दे के 7 फंदे ये बटन पट्टी के, और ये सारे फंदे सीधे सीधे इकट्ठे बना लेंगे, और सीधी और उल्टी एक सिलाई देने के बाद फिर मैं ये अपना पैटर्न शुरू करूँगी। ये बैक के फंदे ख़त्म हो गए, अब यहीं से हम राइट वाले साइड वाले फंदे साथ में ज्वाइन करेंगे। और ये साथ में बटन पट्टी के फंदे,
और अब ये उल्टी तरफ से एक उल्टी सिलाई देके और फिर हम फ्रंट से पैटर्न शुरू करेंगे। पैटर्न मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, तो अब मैं ये पैटर्न पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया। ये मैंने फ्रंट और बैक इकट्ठे बनाए हैं। देखिए, इसमें कोई मेरा ज्वाइंट नहीं आया। फ्रंट और बैक इकट्ठे और बाजू ये अलग से बनाए हैं हमने। अब मैं इनको स्टिच करूँगी और फिर दिखाती हूँ। एक बार मैं इसकी लंबाई भी बता देती हूँ। ये देखिए, फ्रंट की जो मेरी लंबाई है यहाँ से शोल्डर के बाद की, तकरीबन यहाँ से हम इसको मेज़र करेंगे अप्रोक्स 6.5 इंच है। और बाजू मेरी बनी है, बाजू भी कटाई के बाद देखेंगे, बाजू तकरीबन भी 6.5 ही बराबर ही बने हैं ऑलमोस्ट। तो ये देखिए, ये मेरी बाजू, और ये मेरा फ्रंट और बैक। तो ये पूरा इस तरह से बन गया है। अब हम इस पे बटन लगाएंगे और इसको स्टिच करती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। अभी मैं स्टिच करके इसके बटन लगा के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब मेरे बटन भी लग गए और इसकी मैंने बाजू की स्टिच भी कर दिया इसको। तो इस तरह से ये मेरा एक बड़ा सुंदर सा मास्टरपीस बना है ये। तो ये देखिए, अगर आपको ये पसंद आया, बताने का तरीका अच्छा लगा, तो इसको मैक्सिमम शेयर, लाइक और कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा, इसी की कैप बनानी है मुझे। सेम पूरा सेट बनाऊंगी, कैप भी बनाऊंगी और साथ में शूज़ भी बनाऊंगी। कैप तो मैं 1 या 2 दिन में इसकी अपलोड कर दूंगी वीडियो कैप की। आपने ये मेरा वीडियो एंड तक देखा, उसके लिए थैंक यू।